प्रवेश इन्फो में आपका हार्दिक स्वागत। कई बार देखने में आता है कि बच्चे कभी स्पष्ट शब्द नहीं बोल पाते या फ्रेज नहीं बोल पाते, उनकी जो वॉइस है, जो वर्ड्स हैं या फ्रेज हैं, वो शेकिंग, या तो वो रिपीट करते हैं और या वो लंबा बोल जाते। अक्सर माँ बाप और गार्डियंस बच्चों की इस प्रकार की परेशानी से बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते। क्या हमने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता, इसके क्या कारण है? कि कई कारण, पहला तो ये कि वो उस भाषा को प्रॉपरली समझ नहीं पाते और वो उसका उच्चारण नहीं करते और वो अंदर अंदर से शाई करते हैं। दूसरा, वो डिसीजन नहीं ले पाते वो वहां पर बोला जाए या ना बोला। कभी कभी ऐसा भी होता है जो ओवर एक्साइटमेंट हो जाती है या वो डिप्रेशन में होते हैं, उनका जो बोलने का स्पीच का है वो डिसऑर्डर हो जाता, वो बोल नहीं पाते। और ये प्रॉब्लम लड़कियों की बजाय लड़कों में ज्यादा देखी गई है। इसको तुतलाना या हकलाना भी कहा, इंग्लिश में इसको टैमरिंग के नाम से जाना जाता। इसके कई रीजन है, या तो उनको कहीं स्ट्रोक है, ट्यूमर, पेट की कोई प्रॉब्लम, हेड इंजरी या किसी ड्रग से उनको साइड। कभी कभी बेहोशी की हालत पे भी ऐसा देखा गया और ये बेहोशी की हालत सिर्फ बच्चों में नहीं बड़ों में भी पाई गई है। अब हम कैसे समझें कि ये हकलाना या हकलाना है? इसकी कुछ सिम्टम्स है। एक ही अक्षर को जोर से बोलना, बार बार बोलना, जल्दी में बोलना और उस वर्ड को रिपीट करके बोलना, बार बार बोलना और बोलने की वॉइस और वॉल्यूम को बढ़ा करके बोलना, ये सब कारण घरेलू उपाय भी हैं जो हमारे आयुर्वेद के अंदर बताए गए। गर्म पानी में नींबू निचोड़ दें और उसके सुबह और शाम कुल्ला कराएं। देसी घी में काली मिर्च पिसी हुई डालें और उसको अच्छी तरह से मिला लें, गर्म करके अच्छी तरह से बनाएं और फिर उसको चटाएं। इससे उसकी जो जीभ है वो पतली होने लग जाएगी। जैसे जीभ पतली होगी उसमें बोलने की स्पष्टता आ जाएगी, क्लियरनेस आ जाएगी। इसके अलावा आंवला बहुत बड़ा काम करता है। आंवला में विटामिन सी से भरपूर है। बच्चों को कच्चा आंवला दें जिससे वो चबाएं और चबा चबा के खाएं, इससे भी जीभ बहुत जल्दी पर। एक और है धनिया। धनिया सूखा 25 ग्राम लें और अमलतास, एक लंबी सी डंडी होती है, वो भी पंसारी की दुकान से या जड़ी बूटी की वालों की दुकान से मिल जाएगी। उन दोनों उसका गुदा निकाल लें और एक गिलास पानी में इसको घोल लें, या ये कहो थोड़ा सा उबाल लें और फिर उसके कुल्ले कराएं, उससे उसका तुतलाना तकलाना। अगर आप हरा धनिया अक्सर हम घर में सब्जी वाले से लेते हैं और सब्जी में डालते भी हैं, उसको पीस कर उसमें पानी मिलाकर थोड़ी सी काली मिर्च और भुनी हुई फिटकरी मिलाकर से कुल्ले कराएं तो भी लाभ मिलता है। इसके अलावा हमारे कुछ जड़ी बूटियां हैं जो हमारी बहुत ज्यादा काम करती है और ये सब ज्यादातर दिमाग के लिए हैं और शरीर की। अश्वगंधा, ये हमारे को स्ट्रेस फेटिंग से बचा, सोल बचा, शंख पुष्प, ये जड़ी बूटियों का भी प्रयोग करते रहे। इसके अलावा वो खूब पढ़े और बोलने की प्रैक्टिस करते रहे अकेले बैठे। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ और बहुत आसान है। इवन ये जिनको प्रॉब्लम है वो तो करें और जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो भी इसका प्रयोग करें। इंग्लिश में वावल है पांच, जिनका नाम है AEIOU। इन पांचों अक्षरों को खूब जोर जोर से बोलें, इससे हमारी मुंह के अंदर स्पष्ट बोलने की क्रिया जाग जाती है। ऐसे ही हिंदी में भी पांच अक्षर है AEIOU, इनका उच्चारण करते रहे इंग्लिश और हिंदी के शब्दों का तो भी हम स्पष्ट बोलना कर जाते हैं, हमारे अंदर अपना कॉन्फिडेंस आ जाता है, हमको एक एनर्जी मिल जाती है जिससे कि हम स्पष्ट बोलते हैं, कलाना और तलाना में सुधार होता है। ये छोटी सी वीडियो आपको, आपके बच्चों को बहुत फायदा देने वाली है। अगर कोई आपको आते जाते भी कोई अगर मिलता है तो भी उसको ये सारी चीजें बताएं जिससे आपको बहुत फायदा होगा। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगे, आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।